ओहो, तू चला जाना, तू दुकान पे चला जा, जाके माल उठा ले। अरे यार, मेरी बात करवा दी। हाँ, जितना चाहिए माल उठा ले, टेंशन नहीं है तू। चल सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। शकील, मैं तो कह रही हूं कि जरा नवाब साहब की तबीयत का तो पता कर। परेगा अम्मा, मरता है मरने दे उस बुड्ढे को। बड़ा है नवाब, वो ठीक है ना? उसके मरने के बाद पूरे खानदान में एक ही तो समझदार आदमी रह जाएगा। मैं ठेकेदार शकील हैं। फिर देखना उसके बाद मैं क्या करता हूँ। उन नवाब जादियों के तो ऐसी मैं नकेल डालूंगा ना कि दुनिया देखेगी। तो घबरा ना अम्मा, मरता नहीं है नवाब। मुझे तो कभी कभी लगता है शकील कि तू अकल से बिल्कुल पैदल है। वाह, और मैं इतनी दूर अंदेशी की बातें कर रहा हूँ और तू कह रही है कि मैं कल से पैदल हूँ। अरे याद होगी अम्मा तेरी। अरे बेवकूफ इंसान, तुम सोचो अगर ये बूढ़ा नवाब बच जाता है तो वो क्या सोचेंगे कि मेरा दामाद जो है ना, मेरी तबीयत भी पूछने नहीं आए। ये तो नहीं मैंने सोचा। सही कह रही है तू, लेकिन अम्मा वो बूढ़ा बचता नहीं है। वो दिल का दौरा बर्दाश्त करना उतना आसान नहीं है। वो नवाब है, कबूतरों से खेलने वाला, गजलें सुनने वाला। है जी, वो दिल का दौरा नहीं बर्दाश्त करता, मर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, इन दोनों सूरतों में तुम्हारी मौजूदगी वहां बहुत जरूरी है, समझे? हाय अम्मा, ओ चल ठीक है, तू कहती है तो मैं चला जाता हूँ। अपना फोन ऑन रखी, उसके मरने की खबर मैं तुझे फोन भी दूंगा। जी, चल जी। अल्लाह हाफिज। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे।